राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अमित शाह द्वारा 2024 के लिए किया गया वादा 2023 में पूरा हुआ। अब आप राम मंदिर को सामने देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आखिर राम मंदिर बनने के बाद कैसा दिखता है। 2024 का वादा आखिर 2023 में कैसे पूरा हुआ। किसने राम भक्तों के सपनों को इतनी जल्दी साकार किया। किसने अमित शाह, मोदी और योगी के सपने को इतनी जल्दी साकार कर दिया। प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर राम का भव्य मंदिर देखने का सपना हर एक राम भक्त संजोए बैठा है। जहां पर राम का जन्म हुआ वहां राम खुले में क्यों रहे, उनके लिए एक भवन बनाया जाना चाहिए। ये इच्छा हर हिंदू के मन में रही है। जनता की इसी इच्छा को पूरा करने की बात चुनाव के दौरान अमित शाह ने भी की थी। शाह ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर को बनाने का वादा राम भक्तों से किया। उन्होंने ऐलान किया कि 2024 में राम की पूजा भव्य राम मंदिर के भीतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में राम मंदिर के भवन का शिलान्यास भी किया और मंदिर को बनाने का काम तेजी से शुरू हुआ और उम्मीद की जा रही है कि ये मंदिर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। आज तक आपने राम मंदिर का बस 3D मॉडल ही देखा होगा, जिससे आपने अंदाजा लगाया होगा कि आखिरकार राम मंदिर का स्वरूप कैसा होगा। कैसा होगा वह भवन जहां रामलला, मां सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान होंगे, जहां पर श्रद्धालु उनकी पूजा करेंगे। आपने 2024 में राम मंदिर को पूरा देखने की उम्मीद की होगी, लेकिन 2024 से पहले ही राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। बस फर्क इतना है कि यह राम मंदिर अयोध्या में नहीं, अयोध्या से 800 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में बनाया गया है और यह कारनामा कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के तुषार शर्मा ने, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। उन्होंने महज 4 महीने में अयोध्या के राम मंदिर का हूबहू मॉडल तैयार कर दिया और मजे की बात तो ये है कि इसके लिए उन्होंने सिर्फ रद्दी अखबार को बता दे कि फेविकोल का ही इस्तेमाल किया है। इसे बनाने के लिए उन्होंने लगभग 8000 का स्टिक इस्तेमाल किया। मैं जो क्राफ्ट करता हूँ वो अखबार की रद्दी जो वेस्ट मटेरियल होता है मैं उसको रिसाइकल करके एक नए मॉडल बनाता हूँ। ऐसे मैंने कई मॉडल बनाए हैं, पर मैंने अब नव अवसर पे मैंने भगवान श्री राम मंदिर का मॉडल बनाया है, जो बनाने में मेरे को 4 महीने का टाइम लगा है। और क्योंकि इसको बनाने में, क्योंकि अभी मॉडल बना नहीं है तो मैंने भी सिर्फ फ़ोटो में देख कर बनाया है। टोटल मेरे इसमें 8000 स्टिक्स लगे हैं, 8000 स्टिक्स से पूरा मंदिर और 4 महीने का टाइम लगा है। आप देख सकते हैं कि कैसे तुषार रद्दी अखबारों को स्टिक का स्वरूप दे रहे हैं और राम मंदिर का मॉडल बना रहे हैं। आपको बता दें तुषार शर्मा बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र हैं और उन्होंने रद्दी से मॉडल बनाने का काम 12वीं कक्षा से ही शुरू कर दिया था। उन्हें यह काम करने की प्रेरणा तब मिली जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगा, जिस समय में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। उस समय घर में तुषार ने घर से ही कुछ नया करने की ठानी और आज वो कई इमारतों व अन्य चीजों का मॉडल बना चुके हैं। उन्होंने लाल किला, केदारनाथ, बद्रीनाथ और चरखे जैसे कई मॉडल बनाए हैं। उन्होंने इसके लिए देश भर में पहचान मिली और अब वो विश्व में भी भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा मन है कि मैं वर्ल्ड की जो अपनी बड़ी बुक है गिनीज बुक, उसमें भी मेरा नाम है, क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तो हमारी इंडिया की है पर लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें मेरा लाने का मन है बहुत, क्योंकि वो हमारे पूरे वर्ल्ड की है। तो मेरा मन ये करता है कि हमारे मुजफ्फरनगर का नाम रोशन हो रहा है तो मेरे इंडिया का भी नाम रोशन हो कि इंडिया के बच्चे ने अखबार वेस्ट मटेरियल से इस तरह के मॉडल बनाए। राम मंदिर का स्वरूप देखकर हर कोई हैरान है। जो भी मंदिर का मॉडल देख रहा है तुषार की पीठ थपथपाए बिना नहीं रह पा रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि तुषार ने अपना अद्भुत कौशल दिखाया है। मुजफ्फरपुर के तुषार शर्मा की प्रतिभा को जो भी देख रहा है वो इसका कायल होता जा रहा है। जिस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी 2024 में पूजा करने वाले हैं, उसका छोटा रूप अगर वो मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो जरूर ही तुषार की कला की तारीफ किए बिना नहीं रुकेंगे। राम मंदिर का मॉडल देख अमित शाह भी तुषार के मुरीद हो जाएंगे और जमकर
तालियां बजाएंगे और योगी आदित्यनाथ तो मंदिर के सामने अपना सिर झुकाएंगे और तुषार शर्मा की सराहना करेंगे। डेस्क रिपोर्ट ओनली भारत।